क्या साल 2020 पृथ्वी के अंत की शुरुआत है? क्योंकि पहले कोरोना और अब अप्रैल में आने वाला है बहुत बड़ा प्रलयंकारी एस्ट्रॉयड जो पृथ्वी के बेहद ही करीब से गुजरने वाला है। इस एस्ट्रॉयड का आकार हिमालय पर्वत श्रृंखला से भी बड़ा बताया जा रहा है। ये ऐसा ही एस्ट्रॉयड है जो उस वक्त गिरा था पृथ्वी पर जब डायनासोरों का अंत हुआ था। तो क्या इस बार मानवों की बारी है? तो क्या ये विशालकाय एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर से मानव की प्रजाति को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? पुराने रिकॉर्ड्स की माने तो अगर ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराएगा तो पृथ्वी का जीवन 3 बार तक के लिए समाप्त हो जाएगा। एक ऐसा ही एस्ट्रॉयड आज से 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी से टकराया था और 1 दशक तक के लिए पृथ्वी हिम युग में चली गई थी। जितने भी जीव थे वो विलुप्त हो गए थे। विशालकाय डायनासोरों का भी अंत हो चुका था। तो क्या इस साल 2020 में अप्रैल की 29 तारीख में पृथ्वी का क्या नाश हो जाएगा? क्या पृथ्वी पर से मनुष्य की जनसंख्या हमेशा के लिए शून्य हो जाएंगे? जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हम आपको बेहद ही खास जानकारी आपको बताने वाले हैं। नासा ने एक जानकारी दी है जो बेहद ही डरावनी है। इससे खुद दुनिया की सुपर पावर कही जाने वाली रूस और उसका प्रतिद्वंदी रूस और अमेरिका भी डरा हुआ है। पूरी दुनिया खौफ है नासा की इस रिपोर्ट से। अप्रैल की 29 तारीख को एक ऐसा ही एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराएगा जो कि हिमालय से भी बड़ा है, जो पृथ्वी की कक्षा से बेहद करीब से गुजरेगा। हमारी मानव जाति ने, हमारे नासा के वैज्ञानिकों ने एक कैटेगरी तैयार की है। ऐसा ही वैज्ञानिकों ने तैयार किया है जिसका नाम है हैलोविन, जो पृथ्वी के 75,000 किलोमीटर के रेंज से होकर गुजरती है, जिनका आकार 100 किलोमीटर होता है, जो बेहद ही खतरनाक होता है, जिनको कैटेगरी 4 में शामिल किया जाता है। ऐसे धूमकेतु, ऐसे उल्का पिंड पृथ्वी का समूल नाश कर सकते हैं, पृथ्वी पर से जीवन का नाश कर सकते हैं। अब जो हम कहने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इससे आपके पैरों तले की जमीन खसकने की डर है। हम बात कर रहे हैं 29 अप्रैल 2020 को पृथ्वी के निकट से गुजरेगा। इसका साइज है, इस एस्ट्रॉयड का 4 किलोमीटर लंबा है। आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। 100 मीटर जो कैटेगरी 4 में होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन ये 4 किलोमीटर लंबा है और ये पृथ्वी की तरफ आ रहा है। और ना सिर्फ ये आ रहा है बल्कि ये इतनी तेज है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। 21,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये अंतरिक्ष में सफर कर रहा है और ये पृथ्वी की कक्षा की तरफ बढ़ रहा है। नासा के वैज्ञानिकों ने इसके आकार और इसके गति की पुष्टि की है, लेकिन नासा के वैज्ञानिक भी अभी सटीक विश्लेषण का आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के आसपास ही आ रहा है। जब हम ब्रह्मांडीय डिस्टेंस को कवर करते हैं और इसकी तुलना में बात करते हैं तो 75,000 किलोमीटर सिर्फ 75 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर बाल से बारीक भी डिफरेंस हो गया तो पूरी रूट है वो बदल जाएगी और ये पृथ्वी की तरफ आने लगेगा, जो बेहद ही खतरनाक होगा। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरफ अगर आया तो ये शायद पृथ्वी के लिए विनाशकारी साबित होगा। ये अगर ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर आता है तो ये 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ज़्यादा रफ्तार से ये पृथ्वी के अंदर आएगा, जो पूरा देश, पूरा कॉन्टिनेंट, पूरे महाद्वीप को बर्बाद कर सकता है। और इसके उठने वाले गुबार से पृथ्वी एक बार फिर हिम युग में जा सकती है, ऐसा खतरा बताया जा रहा है।
और पृथ्वी से समूचे जीवन समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि ऐसा ही एक उल्का पिंड आज से 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी से टकराया था। जब ये उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था, इसने मैक्सिको में एक लुकोटेक झील के समीप टकराया था, तो ये आज भी कई मील गहरा एक गड्ढा हो गया है और आज भी वैज्ञानिकों के लिए ये रहस्य बना हुआ है। ये आज भी वहाँ पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। और इस झील की स्टडी वैज्ञानिक भी करते हैं कि क्या कोई और उल्का पिंड इससे खतरनाक भी हो सकता है। कई बार वैज्ञानिकों ने इस मामले में जो नॉलेज इकट्ठा की है, उस वक्त उस कालखंड में जब पृथ्वी पर डायनासोर मौजूद थे और जब ये उल्का पिंड 6 करोड़ साल पहले टकराया, तो पूरे एक दशक के लिए पूरी धरती पर धुएं का गुब्बार छाया रहा और पूरा धरती जो बर्फ से बन गई थी, पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से हिम युग आ गया था और पृथ्वी पर जो है जीव जंतु का नामो निशान खत्म हो गया था। किसी के बचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो कोल ब्लडेड जो प्राणी होते हैं, अपने आप को जो बचा नहीं पाए, अनुकूलित नहीं कर पाए और उनकी जिंदगी और उनके अस्तित्व पृथ्वी पर से ख़त्म हो गया, तो क्या ये 29 अप्रैल भी हम गर्म खून वाले इंसानों के लिए भी मुश्किलात परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? हालांकि नासा इस पूरे मसले पर लगातार रिसर्च कर रहा है कि क्या ये सच में पृथ्वी से टकराने वाला है और इसे क्लास 4 में जो है वो शामिल कर लिया गया है, और वैज्ञानिक इस पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं। हम भी आपको इस पर पल पल की अपडेट्स देंगे। आप बने रहिए SBN 9 न्यूज़ के साथ।